हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं रिवाल्स सर और रिवाल्स बी सीरियस। तो हम पहुंच चुके हैं रिवाल्स सर और रिवाल्स सर आए हो तो हमारा जो लिस्ट में सबसे पहला काम होता है वो है डिपो को विजिट करना, जहाँ पे गुरु पद्मसंभव जी की मूर्ति है, जो कि कहते हैं कि हजारों साल पुराना तो है बट नेचुरली सिचुएटेड है यहाँ पे। बट जो मेन रिवाल्स सर है वहाँ पे मैन मेड है वो। तो हम पहुँच चुके हैं, जाओगे कुछ बोलो क्या बोलो? कैसा लग रहा है? हाँ अब जाएंगे अंदर गुफा के अंदर, ठीक है। और ये हमारे साथ और भी थक गया, मेरा सांस फूल रहा है। तो बोलते जो थक जाते हैं वो पापी होते हैं। नहीं होते, वो तो उल्टा होता है। उल्टा हो क्या? कुछ भी पाप नहीं किया होता है। आप पापी हो, पापी आप हो, पापी मेरे को मत दिखाओ एक बार लोग। एक ब्लॉग अभी हम चलते हैं अब अंदर। और ये है राजकुमारी मंदरावा, जो गुरु पद्मसंभव जी की शिष्य थी। टेस्टी नमकीन चाय एंड बिस्किट मिल रहा है। ये पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये छिलाब है, छिलाब है ये। और ये सी मैं ये भूटान के लोग हैं, कितने सुंदर सुंदर है, देखो आप। ओके, जो अभी हमें मिले थे जिनसे जिनके साथ हमने फोटोज क्लिक करे वो साउथ कोरिया के थे। मेरे को लगा भूटान के हैं तो हमने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करे। ये गौर दम जितने ये तो चाहिए फिर सम दम हमने थन बोल दी। ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये गौर दम थार चौक। यहाँ पे आपको चारों तरफ थार चौक ही थार चौक नजर आएगा। तो आप देख सकते हो नीचे सौ झील दिख रहा है हमें। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आपको ये पहाड़ दिख रहे हो दूर, बहुत दूर है, बस इसमें साफ ना आए, साफ नहीं आ रहा है इसमें इतना। पर जो ये आप पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे वो दौलादार रेंजेस है धर्मशाला। पिछली बार वीडियो बनाया था तो रिक्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर चढ़ के दिखता है झील रिवाल्सर। और यहाँ से ऊपर को जाएगा नैना देवी। तो हम अभी चलते हैं। तो जो अभी हम मिले थे जिनसे वो थे कोरियंस, मुझे लगा भूटान के हैं। तो कोरियन के कुछ दो तीन लाइन आते थे वो झाड़ दिए सब कुछ उनके सामने। अयो सारंगी खमसामिदा अन्य हसे हो छाल सेने से हो। ये अब हमें फिर से ऊपर जाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि इस दीदी ने अपना ख्या जो माने पाछाओ ने गुंजी मांगो था माने लगाया था वो माने जो लगाया था दोबारा। इस बार हम पिछली बार हमने घंटी नहीं बजाई थी, तो इस बार अभी हम फिर से वापस जाना पड़ रहा है इसकी वजह से। ये अपना ख्या छोड़ के आएगी ऊपर और शायद हमें वो कोरियंस फिर मिल जाए तो थोड़ी कोरियंस फिर से झाड़ के आते हैं वहाँ पे। गीसा पीटा सा, लेट्स गो।
करोना करोना कुछ कुछ हमको छोरो ना दूसरों को भी छोरो ना। मैंने तुमको क्या किया फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे आता है। करोना करोना कुछ कुछ हमको छोरो ना दूसरों को भी छोरो ना। That is तुझे छे छे ओया अच्छा ये मेरे नोया जरूर आएगा अच्छा ओके तो जो आपने अभी वीडियो देखा एक मेमे को गाना गाते हुए कोरोना कोरोना हमको भी छोड़ो ना, वो बीच में बहुत फेमस हुआ था। तो जैसे उन्होंने वो गाना गाया तब जाके हमें याद आया कि ये तो वो वाले अंकल लेकर उनकी आवाज़ पहचान लिया उनकी आवाज़ पहचान ली हमने। कहाँ के हो? कहाँ से? भूटान। भूटान की कोरिया बोला कोरिया की भूटान ऐसे कुछ बोल रहे थे शायद भूटान के पता नहीं होता हमें। इत्तेफाक से मिल गए वो जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया फिर हमें एकदम दिमाग में क्लिक हुआ कि वो तो वही है। तो हम बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियो। अभी हम जा रहे हैं नीचे लेने हम दोनों ये ठेला लेने गए थे ना और वहाँ बैठ में मिल गए गप्पे सुन के उनके हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे हमने उनके जवाब दिए। अब हम जा रहे हैं वापस एंटर करते हुए भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं इतना नंबर लगा दिया। अभी हम खा रहे हैं भंडारा देखिए मैम अंधेरा कायम है तो इस वाले पत्थर के ऊपर से हमें सब कुछ क्लियर दिखेगा नीचे का और परे जो धौलाधार रेंज जो है वो भी दिखेगा क्लियर। तो चलते हैं रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ का 1 2 3 आपको धौलाधार रेंज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। देखो तो दिख रही हूँ मैं वहां नीचे मत जाना ठीक है खुद गो करना तो हाँ उस साइड नहीं दिख रहा इस साइड को है इस साइड को देखो पूरा और ये है आने और ये छोटी दोनों पेट पूजा हो गया तो अब यहाँ से नज़ारा देखना है हम। अभी हम इस चट्टान के ऊपर चढ़ चुके हैं और आप नीचे देख सकते हो पीछे मत जाओ नीचे देख सकते हो कितना डीप है ये देखो और धूप लग रही है तो कैप पहन लिया और पीछे आप देखो धौलाधार रेंज इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा फिर भी देख लो वाह कम हियर ऐसे पकड़ो फोन को
डरावना है पर नजारा वर्थ इट है। पे छोपे मम्मी मुझे मिले हैं एक नए दोस्त जो कि है चुप कर तू जो लद्दाख से हैं स्टेंजिन पालजोर और ये मुझे कुछ टिबेटन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो शुरू में हम बेसिक्स मतलब कुछ दो तीन लाइन तो सीख ही सकते हैं ना। तो क्या बोलते हैं टच देलेक देव इम्बे उसके आगे मुझे ये याद है देव इम्बे और शोकपा देलेक और शोकपा देलेक किसको बोलते गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग फिर गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ना। गुड नाइट को क्या बोलते हैं खोंटो देलेक खोंटो देलेक की कुछ और सुना था मैंने तो फिर कल मिलेंगे को क्या? कल मिलेंगे सनी थुको सनी थुक थुगो और आपसे मिलकर अच्छा लगा को खेतों ने या कुछ छूसों मतलब सेम है हमारा ज़्यादा ना हिंदी में। और कुछ नहीं और बेल आइकन प्रेस कर दो और आपकी जो वीडियोस नहीं आएगी वो आपको आपको पहले मिल जाएगी। थैंक यू मेरी तरफ से सेम टू मी हां नाइस टू मीट यू ओके बाय कर दो।